नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया। बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड टीचर की, जो ग्रुप ए और ग्रुप बी की 30 जुलाई को री एग्ज़ाम आयोजित की गई थी, जिसमें उपस्थिति कितनी रही। अलग अलग जिलों की बात करेंगे। राजस्थान की वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में 32% रही उपस्थिति। कहाँ रही है? सरकारी योजनाओं से जुड़े कई सवाल पूछे। परीक्षार्थियों की राय, पेपर कठिन यानी पेपर कठिन आया था, ये गंगानगर की बात हो रही है। ये उदयपुर की बात करते हैं। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2 पारियों में हुई परीक्षा। प्रश्न पत्र में आए हल्दीघाटी युद्ध, मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़े सवाल। वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकेंड परीक्षा का पेपर देखकर गुरु गोविंद सिंह स्कूल से बाहर निकलते अभ्यर्थी, रोडवेज बस स्टैंड पर ये भीड़ लगी हुई है और ये कैंडिडेट निकले हुए हैं उदयपुर से। कोटा की अगर बात करते तो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती औसत रहा पेपर। करंट अफेयर्स में उलझे अभ्यर्थी, 70% अभ्यर्थी परीक्षा से रहे गायब यानी 30% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। देरी से पहुंचने के कारण कई अभ्यर्थियों को नहीं मिला प्रवेश। 9760 पदों के लिए हुई परीक्षा कोटा से। पेपर लीक होने से हुई थी मोहभंग यानी दोबारा परीक्षा हुई थी, री एग्ज़ाम होता, जिसकी वजह से 70% कैंडिडेट अनुपस्थित रहे हैं। पहली बार देखने को मिला है ऐसा, जिसमें 30% कैंडिडेट ही उपस्थित हो पाए हैं। आरपीएससी अजमेर की से बात करते हैं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022, अजमेर में 50,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी आने थे, पर पहली शिफ्ट में 17,164 गैर हाजिर रहे। आरपीएससी ने तैयारी के लिए 45 दिन भी नहीं दिए। ऐसे में दोबारा हुई सामान्य ज्ञान के पेपरों में पहले की तुलना में आधे अभ्यर्थी आए। एक परीक्षा सेंटर पर अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच करती टीम, मोबाइल आदि की बाहरी रखवा लिए गए और अभ्यर्थी गहने उतरते हुए ये जीजीए से बाहर भरा पानी ये बारिश से बचाव करते हुए कैंडिडेट आ रहे हैं। और आरपीएससी ने हर स्तर पर सावधानी बरती ताकि डिबार शामिल ना हो सके। डिबार यानी जो परीक्षा में लिप्त पाए गए हैं, जिनको बाहर किया गया है, वो दोबारा एग्जाम में शामिल ना हो। पेपर लीक में शामिल 32 डिबार अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया, आरपीएससी ने नहीं बुलाया। जोधपुर की बात करते हैं, एक जगह ऐसा मामला भी आया है। वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड पात्रता परीक्षा 2022, 6 लाख में सौदा, 50,000 एडवांस लिए। फर्जी परीक्षार्थी बन परीक्षा देते द्वितीय श्रेणी अध्यापक गिरफ्तार, आरोपी सरकारी स्कूल में प्रधान अध्यापक है। 30% अभ्यर्थियों ने ही दिया जीके का पेपर। यानी जोधपुर की भी बात करें तो जोधपुर में भी 30% अभ्यर्थियों ने ही पेपर दिया है। यहाँ पे डमी अभ्यर्थी पकड़ा गया है। सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम यानी सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम जो दोबारा आयोजित हुआ है, उसमें 30% उपस्थिति ही हुई है, जिसकी वजह से मेरिट बहुत कम जानी है, क्योंकि पेपर का लेवल भी औसत स्तर से अधिक कठिन था। तो जिसकी वजह से जिसके क्वालिफाई अंक बन रहे हैं यानी SC ST में तो 40% के आसपास यानी लगभग 40 से 42% और अधिकतम 45% के आसपास मेरिट रह सकती है। और जनरल की भी बात करें तो जनरल की भी मेरिट, अगर TSP की बात करते हैं तो जनरल के 50-52 के आसपास मेरिट रह सकती है। नॉन TSP की इससे थोड़ी अधिक रह सकती है।